आई वाज 16, इट्स फाइनली हियर। तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित। एंड जैसे कि आपको पता होगा, कल यानी कि 12th ऑफ सितंबर को एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 16 फॉर ऑल द सपोर्टेड डिवाइसेस। कुछ एक डिवाइसेस हैं जिनमें ये काम नहीं करेगा, जैसे आईफोन 7, 7 प्लस एंड ये सारे सपोर्टेड डिवाइसेस की लिस्ट। जब आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपके पास iOS 15.7 का भी अपडेट आएगा, लेकिन इसको स्किप करके डायरेक्ट iOS 16 को इंस्टॉल कर लेना, बिकॉज ये जो अपडेट है ये पुराने मॉडल्स के लिए। iOS 16 इंस्टॉल करने के बाद आपका जो डिवाइस है ये कंप्लीटली न्यू हो जाएगा। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं फीचर्स की, जो कि आपके आईफोन चलाने का एक्सपीरियंस एकदम डिफरेंट कर देंगे, आपका फोन एकदम नए जैसा हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फीचर की। iOS 16 में अब जब भी आप कोई भी म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन करते हो या फिर कोई भी म्यूजिक को प्ले करते हो एंड इसके बाद अपने डिवाइस को लॉक कर देते हो, तो आपको लॉक स्क्रीन में कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा एल्बम आर्ट देखने को मिलेगा, जिसके बैकग्राउंड कलर्स भी उस एल्बम आर्ट से काफी ज्यादा मैच करेंगे। एंड अगर आप इस एल्बम आर्ट को टैप करते हो तो ये एक छोटा सा विजेट बन जाएगा एंड यहाँ से आप पूरे म्यूजिक ऐप को कंट्रोल कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे सेकंड फीचर की। सिंपली गो टू सेटिंग्स, बैटरी, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा। जैसे इसको टॉगल ऑन करते हो, आपको ऊपर बैटरी आइकन में बैटरी के परसेंटेज शो करेगा। ऑल्सो अगर आप नाइट मोड ऑन करते हो तो वो कलर भी इन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि काफी अच्छा इफेक्ट दे रहे हैं। एंड लो पावर मोड ऑन करोगे तो बैटरी का आइकन येलो हो जाएगा। इससे पहले हमको स्वाइप डाउन करना पड़ता था, तब जाके बैटरी परसेंटेज दिखता था, लेकिन अब आप डायरेक्टली अपने होम स्क्रीन से ही बैटरी परसेंटेज देख सकते हो। अब हमारा नेक्स्ट फीचर है आई मैसेज को लेके। अगर आप किसी को आई मैसेज सेंड करते हो और अगर आपने कुछ गलत सेंड कर दिया है या मिसटाइप हो गया है, तो उस चीज को आप सेंड करने के बाद भी उस मैसेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करके एडिट पे क्लिक करोगे तो वहां से आप उसको एडिट कर सकते हो। हालांकि वो नीचे एडिटेड शो करेगा, बट ये कि आप अपने मैसेजेस को एडिट कर सकते हो। एंड अगर आप उस मैसेज को डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ से आपको अनडू सेंड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इस मैसेज को अनसेंड कर सकते हो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जिन्होंने भी अभी iOS 16 इंस्टॉल नहीं किया हुआ है या फिर उनके डिवाइस में सपोर्टेड नहीं है, तो उनको सारे के सारे मैसेजेस शो करेंगे। तो ये फीचर जब तक लोग iOS 16 इंस्टॉल नहीं कर लेते, तब तक ये फीचर इतना ज्यादा सेफ नहीं है। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट फीचर है फोटोज एप्लीकेशन को लेके। iOS 16 में किसी भी फोटो के अंदर अगर आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टैप एंड होल्ड करते हो, तो पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो शाइन करने लगेगा एंड यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे। इसको आप कॉपी कर सकते हो, कहीं और पेस्ट कर सकते हो एंड इवन अगर आप इसको टैप एंड होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो एंड कहीं और पे इसकी PNG सेंड कर सकते हो। तो ये iOS 16 का अभी तक का सबसे कूलेस्ट फीचर मुझे लगा। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो, जब भी हमें किसी फाइल की PNG चाहिए होती है तो हम कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं, कितनी सारी वेबसाइट में सर्च करना पड़ता है उस परफेक्ट PNG के लिए। लेकिन अब आप किसी भी फोटो से उसका PNG डायरेक्टली बना सकते हो, तो ये दी बेस्ट फीचर लगा मुझे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर है, ये भी फोटोज एप्लीकेशन का ही है। जैसे आप फोटोज एप्लीकेशन में आते हो एंड सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, तो आपको नीचे डुप्लीकेट फोटोज का ऑप्शन दिखाई देता है। इसके ऊपर टैप करो एंड आपको आपके आईफोन के अंदर जितने भी डबल फोटोज रखे हुए हैं, जितने भी डुप्लीकेट फोटोज रखे हुए हैं, वो सारे के सारे एक ही जगह पे मिल जाएंगे एंड इसको आप सिर्फ दो क्लिक्स में सारे के सारे फोटोज को मर्ज कर सकते हो। यानी कि जो दूसरा फोटो है, जो दूसरा सेम फोटो है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जितने भी लोग परेशान होते हैं डबल डबल फोटोज है उनके पास, तो ये टू स्टेप सॉल्यूशन है एंड यहां से आप सारे के सारे फोटोज एक बार में डिलीट कर सकते हो। एंड ये सेम चीज आप कॉन्टेक्ट्स के साथ भी कर सकते हो। जैसे ही आप अपने कॉन्टेक्ट्स में जाते हो एंड यहाँ पे हल्का सा स्वाइप डाउन करते हो, तो यहाँ पे आपको डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट्स का ऑप्शन दिख जाएगा। फिलहाल मेरे में कोई भी डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट्स नहीं था, लेकिन ये एक क्लिप है जब मैंने डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट्स को डिलीट किया था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सेम फोटोज की तरह ही काम करता है एंड सारे आपके डुप्लीकेट कॉन्टेक्ट्स है ये मर्ज हो जाएंगे। हमारा नेक्स्ट फीचर अगेन है फोटोज एप्लीकेशन के ऊपर। जितने भी लोग कुछ फोटोज को हाइड करना चाहते थे, तो यहाँ पे आपके पास हिडन का ऑप्शन होता था, लेकिन वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होता था। एवरीवन नोज अबाउट इट कि यहाँ पे जाओ एंड हिडन का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। तो iOS 16 में इसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन दिया है। अगर आप किसी भी फोटो को हाइड करते हो, उन हिडन फोटोज को देखना चाहते हो, तो आपका फोन आपसे यहाँ पे फेस आईडी मांगेगा एंड इवन जो डिलीटेड फोटोज हैं उनको भी देखने के लिए आपको यहाँ पे फेस आईडी दिखानी पड़ेगी। तो अगर आप किसी और को फोन देते हो, तो वो आपके हिडन फोटोज को नहीं देख पाएगा जब तक वो फेस आईडी नहीं लगा लेता। तो जितने भी लोग फोटोज हाइड करना चाहते थे, ये परफेक्ट सॉल्यूशन है उसके लिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ। पिछले साल iOS 15 में एप्पल ने ये फीचर रिलीज किया था कि किसी भी फोटो के ऊपर आप टैप एंड होल्ड करके किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो और कहीं और पेस्ट कर सकते हो। तो iOS 16 में अब ये चीज आप वीडियो के साथ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई वीडियो कैप्चर किया हुआ है, सिंपली उस वीडियो को पॉज करो एंड सेम फोटोज के जैसे आप वहां पे टैप एंड होल्ड करके किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो एंड कहीं और पेस्ट कर सकते हो। तो ये फीचर काफी ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट
फ्यूचर की तरफ, एंड जो कि iOS 16 का बहुत ही कमाल का फीचर है वो है इसकी लॉक स्क्रीन। इसकी लॉक स्क्रीन को कम्प्लीटली रीडिजाइन किया गया है। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स, बहुत सारे कलर्स देखने को मिलते हैं। सिंपली पहले फेस आईडी को अनलॉक करो एंड यहाँ पे अपनी लॉक स्क्रीन के ऊपर टैप एंड होल्ड करो। आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे आप किसी भी वॉलपेपर को कस्टमाइज कर सकते हो एंड इधर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये वाला फोटो देखो आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो फोटो है ये मेरा थोड़ा सा 3D इफेक्ट टाइप का दे रहा है एंड यहाँ पे टाइम जो है ये पीछे छिप गया है। आपके फोन में जितने भी पोर्ट्रेट फोटोज होंगे ये उसको एनालाइज करके अपने आप से ऐसा इफेक्ट क्रिएट करता है एंड ये दिखने में बहुत ऑसम लगता है। इसके अलावा फीचर्ड में आपके पास काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यूनिटी लॉक स्क्रीन हो गई, उसको भी आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हो। एस्ट्रोनॉमी हो गई, एस्ट्रोनॉमी में आपके पास बहुत सारे वॉलपेपर्स अवेलेबल हैं। इसके बाद कलर्स हो गए, इसको आप बहुत सारे अलग अलग कलर्स को एक साथ कस्टमाइज कर सकते हो। वेदर थीम हो गई, जिसमें जो भी आपके एरिया का वेदर चल रहा है वो आपको शो करेगा आपकी लॉक स्क्रीन में। ऑल्सो आप कस्टमाइज एमोजीज के साथ भी एक वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स हैं, अलग अलग फोटोज को शफल करके भी आप एक वॉलपेपर क्रिएट कर सकते हो या लॉक स्क्रीन क्रिएट कर सकते हो। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे विजेट्स अवेलेबल हैं, इन विजेट्स को अपनी लॉक स्क्रीन पे ऐड कर सकते हो। इवन वॉलपेपर सिलेक्ट करने के बाद तो उसका टोन भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड ये जो भी कस्टमाइजेशन आप कर रहे हो ये फोकस मोड के साथ भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने जिम फोकस मोड ऑन किया तो उसके साथ आपके जो भी लॉक स्क्रीन है, लेआउट है, वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा एंड वहां पे आप फिटनेस से रिलेटेड विजिट्स ऐड कर सकते हो। ऑफिस जा रहे हो तो ऑफिस में जो जो चीजें आपके रिक्वायरमेंट है ऑफिस मोड में आप वो सारी चीजें विजिट्स में रख सकते हो। तो गाइस ये थे कुछ अमेजिंग फीचर्स जो कि हमको iOS 16 में देखने को मिलते हैं। आपका फेवरेट फीचर कौन सा है मुझे नीचे कमेंट पे बताओ, और इन फीचर्स के अलावा कोई और फीचर हो जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद हो iOS 16 का वो भी नीचे कमेंट्स में बताओ, ताकि दूसरे लोग भी उन फीचर को जान सकें। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज दैट लाइक बटन, चैनल सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।